एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शौतरूपा। हमेशा स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट का रिव्यू देती रहती हूँ। आज थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ। घर के काम के लिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज का प्रोडक्ट है एवांस ऑयली सरफेस क्लीनर। ये मैंने कुछ महीने पहले अमेजोन से लिया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वर्ष कुछ महीनों से मेरे घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। किचन में रिनोवेशन का काम चल रहा है और मेरे किचन में इतना दिन चिमनी नहीं था, जिसके कारण पूरा जो किचन का वॉल है टाइल्स काफ़ी गंदा हो गया था, ऑयली स्टेन पड़ रहा था, डर्ट पूरा जमा हो रहा था। तो उसको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि दिखने में बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे ऑनलाइन ताकि उसको हम लोग घर पे ही रिमूव कर पाए। तो तभी इसको हम लोगों ने अमेजोन में देखा क्योंकि इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था। तो इसका प्रिंटेड प्राइस तो 350 है, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में 275 रुपीज़ में मिला है। और हम लोगों ने इसको सिर्फ किचन के वॉल में ही अप्लाई किया है, टाइल्स में, और किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं किया है क्योंकि और किसी चीज़ पे मेरे घर पे कुछ गंदा था नहीं। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, आप लोग जिस चीज़ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि चिमनी, गैस स्टोव, ग्रिल्स, एग्जॉस्टर फैन, बहुत कुछ लिखा है। मैं डिटेल्स में बाद में पूरा वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज एवांस ऑयली सरफेस क्लीनर। ये 500 ml का प्रोडक्ट है। प्रिंटेड प्राइस है 350 रुपीज़, लेकिन इसको मैंने अमेजोन से 275 रुपीज़ में ख़रीदा है और इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। ये एक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके कारण आपको इसको डायरेक्टली हाथ में नहीं लगाना है। यूज़ करने से पहले ग्लव्स पहन लेना है और मास्क भी पहन लेना है। इस स्प्रे को ऑन करने के लिए नॉब को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर आप स्प्रे कीजिए जहाँ पे आप स्प्रे करना चाहते हैं, फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर एक साफ कपड़ा से हल्का गर्म पानी से वाइप कर लीजिए। मैंने पहले ही मेंशन किया है कि इससे आप ओवन, गैस स्टोव, किचन टाइल्स, ग्रिल्स, चिमनी, एग्जॉस्टर फैन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसको कोई भी जला हुआ बर्तन, तवा, कढ़ाई, सिंक्स, टैप्स, बाथरूम के टाइल्स या कोई भी वॉल जो पेंट किया हुआ है इस जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। हम लोगों के घर में जो पेंटर आए हुए थे किचन को पेंट करने के लिए, उन्होंने ही ये काम किया हुआ है। हम लोगों ने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया था ग्लव्स पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे को पूरा अच्छे से ढक के रखा था। और आप लोग देख सकते हो कि इस जगह पे कितना ऑयल जमा हुआ था, वो कैसे धीरे धीरे निकल जा रहा है। वीडियो के लास्ट में मैंने फाइनल रिज़ल्ट दिखाया हुआ है और वीडियो का स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा साफ़ हो गया है टाइल्स। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।